Uh, इस, इसके अंदर हम जो टॉपिक आज हाँ स्टडी करेंगे वो सब फाइलम फाइलिस और क्लास मीरोस्ट्रोमेटा को डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक ऑफ टूडे

इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल है बॉडी like है, 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 स्ट्रक्चर के लिहाज से ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी को दो टेगमेटा में डिवाइड करते हैं द फर्सा इज द प्रोसोमाथोरिक्स एंड द सेकंड टेगमेटा इज नॉन एज ओपिसोसोमा सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसोमा एंड सिफेलोथोरिक्स प्रोसोमा और uh, basically, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में और है, वो होती है. जब भी एक एनिमल है जैसे कि हैं, इनके और की फ्यूजन है तो ऐसी बॉडी को हम सिफेलोथोरिक्स बोलते हैं ये सेंसरी रोल प्ले करती है ये फीडिंग के लिए भी यूज होती है और लोकोमोटरी टेगमा के तौर पे भी ये इस्तेमाल होती है और इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रक्चर है जैसे कि आइस है के पे, इसके अलावा लोकोमोशन के लिए पेड़ अपेंडेजीज है लेकिन एक करेक्टर जो बाकी मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होता है बाकी फा, सब फाइलम प्रेजेंट है वो ये है कि एंटीना एक प्रोमिनेंट सेंसरी स्ट्रक्चर है जो कि इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट नहीं होता नंबर uh, नेक्स्ट में आता है कि इसमें चेलीसरी प्रेजेंट होती है जैसे कि इसी चेलीसरी की प्रेजेंस की वजह से इसे चेलीसरीटा नाम दिया जाता है तो बॉडी का जो पहला पेयर होता है का उसे हम चेलीसरी बोलते हैं एंड दिस लुक लाइक 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 अ पिंसर और आर फॉर द द कटिंग कटिंग ऑफ़ फूड जैसे खुराक को करनी है बाइटिंग करना है इसने तो खुराक को ब्रेस करना है तो उसके लिए ये चेलीसरी को यूज कर सकते हैं बॉडी uh,

ओपिसोसोमा एंड बॉडी पार्ट आर प्रेजेंट इन दिस रीजन इन द ओपिटोसोमा रीजन बिकॉज दिसमिनल रीजन वो कौन कौन से पार्ट्स uh, हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं हमने ये देखना है तो अगर मैं उस उन पार्ट की बात करता हूँ तो लाइक like, हमारे पास जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है

द क्लास नेम इज द क्लास मिरोस्ट्रोमेटा ये मीरोस्टोमेटा आपके सामने यहाँ पे जो है वो शो हो रही है और इस के अंदर ये मोस्टली ऐसे एनिमल्स हैं जो मेरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं और इसकी एग्जांपल है हॉर्स एंड जॉइंट वाटर स्कॉर्पिय देखना है ये कि वो कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनसे ये बिलोंग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास है जाइफोसोरा क्लास uh, जाइफोसोरा एक ऐसी क्लास है जिसमें हॉर्स शू क्रैब आ जाते हैं अगर आप इस डायग्राम में उसकी रीजन ये एक ऐसा शेल है इसकी को कवर कर रहा है या बॉडी स्ट्रक्चर जो इसकी है वो बिल्कुल ऐसी लगता है जैसे हॉर्स का शू जो है वो साइड बीच साइड बीच पे लगा हुआ है और उसके इम्प्रिंट छपे हुए हैं तो बिल्कुल ऐसी

इज द न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से ये हैं यानी मुर्दार को खाते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मेटर उसके खुराक लेते हैं फिर ये एनिले को खाते हैं जैसे गर, जो नीरीज वगैरह हैं उस उससे उस पर डिपेंडेंट होते हैं देन के होते हैं, जो मुलस्क होते हैं स्मॉल

Uh, when we see uh, the ventral region of this horseshoe crab, um, there are the different sensory structures and the different body parts are present uh, below this carapace, uh, uh, and these are covered and protected. So uh, the second structure is called as a chelate. Chelate is basically different structures of body. like jaise chili tree hai uh, inki body mein aur pedipalps or aur jo first pair of appendages uh, start with your pairs hai,

A long uh, um, tail-like structure uh, that uh, arises posteriorly, or uh, that uh, is present at the end of uh, uh, the its body, and uh, it, it shows a spike-like structure. Here, in this case, you can see uh, this one is called as a telson. So, telson is wake sensory structure. Or, e sensory structure. Ke lava. बॉडी को सपोर्ट भी देती है इवन के बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग वेव आती है समंदर की एक बहुत शदीद लहर आती है तो वो क्या होता है कि उसकी वजह से ये उल्टा हो जाता है ये मैंटल साइड अपवर्ड आ जाती है और डॉर्सल साइड डाउनवर्ड चली जाती है इसका नुकसान इसका नुकसान ही होता है कि इस ये इसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है और दोबारा ये मूव नहीं कर सकता सो तो, so, ये इसी ये जो टेल्सन होती है इसी की मदद मतलब से जो है वो रोटेट करता है और बॉडी को देन जो है Uh, वो कवर कर लेता है और बॉडी जो है वो प्रॉपरली यहाँ से मूव करती है सो so, uh, ये हमारे पास आ जाता है दिस वन इज कार्ड लेजर दिस वन इज कार्ड लेजर चैलीस

और उसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स होती है आगे चल के देखिए कैसे वो गेमेट्स की शेडिंग होती है एग्स शेड करती है फीमेल जो है और देन मेल की तरफ से वो जो है स्पॉन्स हैं वो रिलीज होते हैं सो देयर इज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू दिस जेनिटल पेयर्स और जेनिटल अपरक्यूलस फ्रॉम द फर्स्ट पेयर और यू कैन से दैट फ्रॉम नेक्स्ट टू दिस जेनिटल अपरक्यूला द फाइव

तो क्लोज बुक के जो पेजेस की अरेंजमेंट होती है बिल्कुल ऐसे है स्ट्रक्चरेशन इन केस ऑफ हॉर्स अबाउट बुक गिल्स नेक्स्ट आ जाते जी की ये सर्कुलेशन कैसे होती है बॉडी में बहुत

So uh, that means they are in the breeding season or they are in the breeding conditions. So uh, what's happened? Uh, when a male uh, wants to mate with a female, The first of all the male grasps a fee, uh, female grasp a female with, her, uh, with his uh, peripals. Uh, per use karte. Ki, agar dekhi, this one is a male and this one is a female. एक मेल जो है वो अपनी पेडीपेल्प की मदद से फीमेल जो है उस बॉडी के साथ अटैच हो जाता है और ये माउंटिंग होती है यानी वो उसके साइड पे मूव अप करता है और देन जब ऐसा होता है तो कुछ ही टाइम पीरियड के बाद जो है फीमेल जो है वो उसी दौरान उसी सैंडी रीजन के अंदर जो है वो डिंगिंग करती है और एक होल ऐसा बिल्ड करती है एक बड़ा सा और उस होल के अंदर एग ले कर देती है जब एग ले कर देती है तो फिर मेल जाके वहां पे जो है Uh, वहां पे स्पम रिलीज करता है और इस तरह फर्टिलाइजेशन होती है और फिर इस फर्टिलाइजेशन के बाद इस सारे uh, जो एरिया है इसको कवर कर दिया जाता है और वही एग्स जो है वो फर्टिलाइज एग्स वहां पर डिवेलप करते हैं और uh, इस दौरान पेरेंट्स कोई केयर नहीं करते अल्टीमेटली क्या होता है कि उनमें से एक न्यू हॉर्सू क्रैप जो है वो डिवेलप हो जाते हैं सो दिस वन इज द रिप्रोडक्शन इन दिस केस

you can see that uh, the book gills used for respiration in the last region the anus is present and the long tail uh, that is uh, used for flipping um, like a coin a uh, flipping uh, structure that uh, can uh, move back or uh, arrange back the body uh, after the uh, after winter side when the winter side comes upward so this one is totally about the horseshoe crab and uh, something about giant water scorpion थैंक यू वेरी मच ये आज का टॉपिक था हमारा और आपका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अल्लाह हाफ नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम हाज़िर होंगे